Hello everyone, I'm Asit Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. So friends, today we will discuss about a concept. Just to see the video, you will never forget in your life, okay? आज मैं एक concept आपके साथ discuss करने वाला हूँ, वो क्या है? Give और let से related है, ठीक है? किससे related है? Give और let, ठीक है? Video को बस last तक देखिएगा, एकदम छोटा सा video होने वाला है और इसके बारे में एक बार video देख लिया, दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक है? तो इसको पढ़ने से पहले जो भी नए हैं इस चैनल में सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट्स इस चैनल में डिस्कस किए जाते हैं छोटे छोटे चीज़ों पर डिस्कस किए जाते हैं जो कि इंग्लिश बोलने के लिए है ना लिखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है ठीक है तो धीरे धीरे से हमको इंग्लिश सीखने में मदद करता है ठीक है तो गिव और लेट ये गिव और लेट का मतलब क्या होता है देना एंड गिव का मतलब भी देना होता है लेट का मतलब भी क्या होता है देना ही होता है तो इसको हम इधर में देना लिख देते हैं देना ठीक है और मैं यहां और एक चीज लिख देता हूं गिव और लेट ठीक है तो हम मान लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है दो कुछ भी चीज हम मांगते हैं तो क्या बोलते हैं दो मान लो मैं किसी से बोल रहा हूं मुझे मोबाइल दो मुझे मिठाई दो है ना सोने दो जाने दो कुछ भी बोलते हैं दो बोलते हैं तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है दो होता है अब इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए मैं और एक चीज लिख देता हूं बस दो लाइन और लिखता हूं उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे जिसे छू नहीं सकते जिसे छू नहीं सकते है ना दूसरा क्या है जिसे छू सकते हैं जिसे छू नहीं सकते हैं जिसे छू सकते हैं ठीक है बस इन्हीं चीज को ध्यान में रखना है अब किसके साथ में क्या यूज करना है ये देखिए जिसे छू नहीं सकते इसके लिए हम क्या लगाएंगे लेट लगाएंगे लेट का उपयोग करेंगे और जिसे हम छू सकते हैं उसके लिए हम क्या लगाएंगे गिव का उपयोग करेंगे ठीक है तो यहां ध्यान रखिएगा जिसे छू नहीं सकते उसके लिए लेट जिसे छू सकते हैं उसके लिए गिव का उपयोग करेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिसे छू नहीं सकते मतलब जिस चीज को हम छू नहीं सकते उसके लिए हम लेट का उपयोग करेंगे और जिस चीज को हम छू सकते हैं उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे गिव का उपयोग करेंगे ठीक है अब यहां पर एग्जांपल देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है बस आप ध्यान से देखिएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अभी ठीक है कैसे इसका उपयोग करते हैं मान लो मैं बोलता हूं मुझे पुस्तक दो है ना अब यहां पर देखना है कि पुस्तक को हम छू सकते हैं या नहीं पुस्तक को ऑब्वियसली हम छू सकते हैं ठीक है छू सकते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे गिव लगाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे गिव मी बुक पुस्तक हम छू सकते हैं तो गिव मी बुक बोलेंगे अब लेट का देखो मान लो मैं बोलता हूं मुझे जाने दो अब इसको छू सकते हैं क्या नहीं छू सकते हैं है ना जाने दो को कैसे छूएंगे तो मुझे जाने दो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे लेट का उपयोग करेंगे ठीक है मुझे जाने दो तो उसके लिए क्या बोलेंगे लेट मी गो यही छोटा सा ट्रिक है यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ठीक है इसको समझ जाओ जिसको हम छू सकते हैं उसके लिए गिव लगाते हैं जिसको हम छू नहीं सकते उसके लिए लेट लगाते हैं ठीक है तो और एक दो एग्जाम्पल देखो मुझे मोबाइल दो ठीक है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे अब फोन को तो हम छू ही सकते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे गिव बोलेंगे गिव मी फोन ये हो गया ठीक है और एक देखो मुझे सोने दो है ना सोने को तो हम छू नहीं सकते हैं है ना सोने मतलब गोल्ड वाला नहीं ऐसे सोने वाला ठीक है मुझे सोने दो अब इसको छू नहीं सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे लेट लगाएंगे तो इधर में लगा दो लेट लेट मी स्लीप ठीक है तो मजा आ रहा है ना दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो बस इतना ध्यान रखना जिसको हम छू सकते हैं उसके लिए गिव लगाते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसके लिए हम क्या लगाएंगे लेट लगाएंगे बस हमको इतना ध्यान रखना है कि गिव के बाद में नाउन आएगा और लेट के बाद में वर्ब आएगा ठीक है तो ये गिव है गिव के बाद में क्या आएगा ये नाउन आएगा और लेट के बाद में आएगा क्या
वर्ब, ठीक है। यहां पर देखो लेट मी गो, गो वर्ब है, गिव मी बुक, बुक क्या है नाउन है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसे छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते मतलब लेट के बाद में वर्ब भी आएगा, तो लेट का उपयोग करना है वहां पर, और जिसे हम छू सकते हैं नाउन है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे गिव लगाएंगे। तो मजा आया ना दोस्तों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइफ पे कभी नहीं भूलोगे ये वाला को सीखोगे तो, ठीक है। और बहुत यूज आने वाला है, इसका उपयोग भी बहुत होता है, लेट मी गो, गिव मी है ना, तो ऐसा बहुत यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो और दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो मजा आया ना, इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट इस चैनल में डिस्कस किया जाता है। प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, आपको ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा करके इंग्लिश सिखा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, अगर अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कर दो और शेयर भी कर सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीजों पर डिस्कस किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे से हम इंग्लिश सीख जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और घर में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो।